असलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नदीम वास्ते तुसां यूट्यूब चैनल कल्चर पंजाब दा नाजरीन। उम्मीद करदे हां तुसां ठीक हो, सो तुहाडियां दुआवां नाल असां भी ठीक हैं। असां अज एक दफा वात आया हां आंदी जान, अज तो कुछ देखे ने ज़हीरुद्दीन बाबर दी दा मकबरा आंदी जान दे विच मौजूद है। ये एक तां मुजस्मा लाया होया ने ज़हीरुद्दीन बाबर। ये नाजरीन बड़ी प्यारी सैरगाह बढ़ाई हुई इन्हें। इतना ज़हीरुद्दीन बाबर की असल जी कब्बर है वह तो अफगानिस्तान है, लेकिन इतना इन्हें मुजस्मा लाया याद वास्ते ना ये पे पिछले ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर सन 1483 तो 1530 ये यादगार बढ़ाई हुई ने, बाग बड़ा हुआ इतना मुजस्मा नसब किया हुआ। अपने हीरो को याद रखने वास्ते किस तरह उन्होंने मुजस्मा बनाया। ये कुछ बाग की लोकेशन है, यादगार बनाई हुई है शहर के सेंटर जी। ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर आज सारे दोस्त भी नाल हैं, असं भी आज इंजॉय करेंगे पे बाहर दी आमद आमद है। आवाम निकल आई हूँ एक दफा बाहर आंधी जान का यह सेंटर है, क्योंकि आंधी जान तो बहुत पुराना शहर है ना। इन बड़ी यादगार मुजस्मे तारीखी जाई बहुत काफ़ी है। सारे नाल हैं जी उज़्बेक भाई फैजुल्ला साहब हाथ ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर इसे शायद रावण आले हैं। ये इत्थों अत दसाया मैंने तारीखां जे मिलदा है कि फरगाना दे विचों उन्हें कुछ शिकस्त आई सल्तनत अपनी तो उन्हें हाथ धोना पिया। उस तो बाद वो लग गए बुखारा समरकंद बुखारा, उत्थां भी उन्हें खिलाफ बगावत थी गई। उस तो बाद वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए, उत्थां आज के उन्हें पानीपत की जंग लड़ी। ये बारे तारीखा नहीं मिलता है। ये मेरे पिछे रेहे पे फुटबॉल स्पोर्ट्समैन, काफ़ी प्यारा शहर है, काफ़ी प्यारे नज़ारे रेहे पे। तो हम दूर को लिखाने आए जी ज़हीरुद्दीन बाबर। ये नाजरीन मेरे पीछे रेहते पे तारीखी इमारत, काफ़ी पुरानी इमारत ने इतना पुराने दौर दियाँ। ये देखो इन्हों का स्ट्रक्चर जरा है काफ़ी पुराना, दरख्त ही काफ़ी पुराने, यानी कि इन्हें लोगों अपने विरसे को भुला नहीं। असम नादरीन जुलते पे तो जुल के दिखाने ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का मकबरा बाग शुमाल। नाज़रीन पहुंच गए हैं बाग शुमाल, ज़हीरुद्दीन बाबर का मकबरा। मेरे पीछे देख रहे हो जी ये सारा मनाजर उदय है। चलो जी चल के वेदे हैं। इन्हों की असल कबर जी है वह तो अफगानिस्तान, लेकिन इन्होंने तो इतने यादगार वास्ते मकबरा बनाया। कुछ मेन व्यू है जी ये चलो चलिए चल के देते हैं ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर।
ये इंटरेस्ट है जी। सारे नालू मुजाहिद वदन पैन थक बह गए। ये आज मकबरा ज़हीरुद्दीन बाबर, एक आया सामने बैठे पे हो, लेकिन ये टाइमिंग की वजह तो ना, क्योंकि बाहर नहीं आई सर्दी की वजह तो बंद हैं। जिस टाइम खुले ना जी एंदा भी ला के इंशाल्लाह तो कुछ दिखा सो। ये रहते पे इन मुकम्मल तारीखी समान है। ए वेखो जी किन्ना प्यारा मकबरा तमीर किया हुआ है और काफी उच्चा तमीर किया हुआ है। क्योंकि 1530 दी वफात हो गई थी, वे देखो पुरानी तार दे दरवाजे। जिस तरह पुराने बादशाहों के महल या सिस्टम होंगे उस तरह सारा तैयार किया हुआ है। सराह मकबरे के चारों पासों सराह बनाई हुई है। ये आ गया जी इन्हों का म्यूजियम, बाबर म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ बाबर एंड वर्ल्ड कल्चर। ये इन मुकम्मल जंगी समान जो उस दौर चीज़ा इस्तेमाल थी वो सारिया महफूज हैं, लेकिन ये सर्दी की वजह तो ना बंद है। हूँ जिस टाइम बाहर आ सी खुल से इंशाल्लाह नेक्स्ट विलाग ही थोड़ी दिखाई जिंदगी वो फाक दी थोक जरूर दिखा सो। इमारत नवी बड़ी हुई है लेकिन डिजाइन जरा है वो काफी पुराने दौर का, उसे दौर को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया। ये दरवाजे देखो जी बिल्कुल उसे दौर नाल मुशाबत रखता। ये है जी बाबर मस्जिद, बिल्कुल उन्हें थले वाली साइड से मस्जिद बनाई हुई है, एक छोटी उत्ते बनाई हुई है, एक थले बिल्कुल मेन रोड के उत्ते। ये रोड है, ये मस्जिद एंट्रेंस, ये कोई साइड का व्यू है जी। ये बनाई हुई है जी मोहम्मद दीन बाबर दी कबर, ये कुछ लोग पहाड़ी के उत्ते बनाई हुई है। ये असल जी कबर है वो तो अफगानिस्तान है, लेकिन ये उतु मेरे ख्याल मिट्टी गिना है जी इन्हें कबर बनाई है इतने। ये देखो मोहम्मद दीन बाबर, ये सर देखो इतने लिखा हुआ है कि इन्हों की असल कबर काबल है, लेकिन उन्होंने कबर की मिट्टी इतना गिना के असं यादगार बनाई। ये सामने देते पे ये देखो जी कैसे कैसे सुल्तान चले गए भाई, किसी ने नहीं रहना, सब ने चला जाना। मुगलिया खानदान के बादशाह, ये एक प्यारी मस्जिद बनाई हुई ने जी बिल्कुल कबर के नाल ही, ये नाल कबर है, ये कबर बनाई हुई ने, ये नाल मस्जिद बनाई हुई ने नमाज पढ़ने वास्ते जगह। थले भी मस्जिद है लेकिन इन्हें उत्ते भी बनाई हुई, मुकम्मल लकड़ का काम थी हुआ। ये रिठा बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई ने, ये नाल काफ़ी ऊंचाई से जिठा भी थले बहुत गहराई दे मेन रोड।
एयरलिफ्ट ना लगी हुई चेयर, ये हूँ मौसम आंदा पे चलान का चल वैसी है, हूँ सर्दी काफ़ी घट थी गई है। ये देख जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जदोजहद के बाद अपने हीरो को ना भूले नहीं, यानी कि उनकी इतना मिट्टी गिना के उनका मज़ार बनाया ने, मकबरा बनाया ने, म्यूजियम बनाया ने। आंधी जान शहर के जिस मोड़ से वैसे उनका मुजस्मा लगा हुआ है, जहीरुद्दीन बाबर सॉरी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिस मोड़ से वैसे उतना ही उनके निशान लगे हुए हैं, ये भावे वो सामने वो मुजस्मा है, जिस रोड से वैसे उतना ही थोक मुजस्मा नजर आ सी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इंशाल्लाह जो बाहर आसी खुलसी तो थोक इंदा जरा म्यूजियम है वो भी दिखाए सो, इतना रौनक मेला भी काफ़ी हो सी, आवाम दराश हो सी, बात खुलता है म्यूजियम, इस टाइम मजलिस मस्जिद खुली हुई और जरा मकबरा है वो भी बंद है, तो कब्र तो थोक दिखाई है। ये देते पे जी इन्होंने मुजस्मे बनाया हुआ है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फ्रंट ते मुजस्मा लगा हुआ है, पीछे मकबरा है, सब तो उत्ते कब्र है टॉप ते। ये जी काफिला जा रहा एशिया तरफ दा, पीछे उठा गया घोड़ा, काफिला जा रहा, सकाफत वेखो जी सकाफत, 200 साल नाल कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट मौजूद हैं, असा इतना विजिट ते आया से, ते ये भाई भी आ गए, तारुफ करवाओ सारा अपना। मेरा नाम मोहम्मद इमदाद है, मैं ईरान से मिग्रेट होके ना इधर उज़्बेकिस्तान में हूँ, बहुत अच्छा कंट्री, और यहाँ पे हम जहीरुद्दीन बाबर के मज़ार पे आए हैं। मेरा नाम अबू हुरैरा अमजद है और मैं यहाँ पाकिस्तान से एंडरजॉन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आया हूँ एमबीबीएस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन और मैं पाकिस्तान से आया हूँ एमबीबीएस कोर्स के लिए, एमबी हमारा 6 साल इधर कोर्स है और भाईजान मिले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अली ताहिर है, मैं मुल्तान से आया हूँ यहाँ पे एंडीजन में एमबीबीएस के लिए, और यहाँ पे हम जहीरुद्दीन बाबर के मज़ार पे आए हुए हैं, यहाँ पे ये हमें मिले हैं दो भाई हमारे पाकिस्तानी, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और हम यहाँ पे एमबीबीएस करने आए थे, तो हमें यहाँ पे भाई मिले पाकिस्तानी, इनसे मिलकर बहुत हमें खुशी हुई, इंशाल्लाह आगे भी हमें और ऐसे मिलते रहेंगे क्योंकि हम दूसरी कंट्री में हैं, तो इनका मिलना हमारे लिए गनीमत है। ये सारे देखने वाले व्यूअर को ये भी आख रहे हो यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर, बाल के घंटी तो पाट दो। Should I speak in Uzbek? Uzbek abroni mem tarjuma berano nimam. Biz bu boshlarimiz bilan bugun Baxshamolga chiqdik. Today we are going to the Baxshamol to visit my friends. ये सारा उज़्बेक भाई है, याद है इतना सा दोस्त नाला जाया है। I'm translator and guide. Translator. तर्जुमान है। नाज़रीन दी थैंक करेंगे अपनी वीडियो का एंड, अगर सारा चैनल था को लगे अच्छा, अगर सारी वीडियो लगे अच्छी, देखो लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, जींदे ते वसदे रहो, आबाद ते शाद रहो, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ बाबा बाबर तेरे वर्गे हुण बंदे किधर टुर गया, आ जाओ बड़ी लोड़ है थोड़ी।